ऑलराइट गाइस, तो आज है हमारा पुल डे, बैक एंड बाइसेप्स का वर्कआउट। आज थोड़ी बहुत वेरिएशन चेंज करेंगे वर्कआउट में, एंड इंटेंस भी एक अच्छा हाई वॉल्यूम पर रखेंगे, वेट को बढ़ाते जाएंगे, आज फेलियर तक करेंगे। तो एंड रही आपके क्वेश्चन की बात, तो यहाँ पर दो कमेंट्स आज और आए थे जिसका मैं एक का जवाब अभी दूंगा। पहला क्वेश्चन है, देयर आर सम पीपल हु आर इन कम्फर्ट जोन एंड सेइंग अदर्स हाउ टू गेट सक्सेसफुल, सो माई क्वेश्चन इज शुड आई फॉलो देम और नॉट। तो मैं कहूँगा, अगर आपको कुछ लोग इंस्पायर कर रहे हैं सक्सेसफुल होने को, आपको कुछ सिखा रहे हैं, आप कुछ उनसे सीख रहे हो, भले ही उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना किया हो, बट आपको अच्छा गाइड तो कर रहे हैं ना। अगर आप उनकी बातें आपकी लाइफ में आपको सक्सेसफुल होने के लिए मदद कर रहे हैं, तो आई थिंक यू शुड फॉलो देम। बाकी आपको अपने तक है, आप उसको कैसे यूज़ करोगे, किस तरह से आप सक्सेसफुल होगे, तो वो आपके आप तक है। एंड रही बात अब सक्सेस की, सक्सेस बहुत सारों को लगता है कि गाड़ियाँ मिल गई, हमारे पास गाड़ियाँ है, पैसा आ गया, तो दैट्स सक्सेस। नहीं, उसके बाद आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। आप जितना जितना अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते जाओगे, उतने आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, उतना उतना लाइफ आपकी टफ होती जाएगी। देखो, सक्सेस कम्स विद द कॉस्ट, और वो कॉस्ट क्या होता है, अपनी फैमिली से दूर रहना, अपने फ्रेंड से दूर रहना। तो अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। बहुत सारे कुछ एवरेज लोग भी हैं जो अपनी लाइफ में खुश है, अपनी लाइफ अच्छे से बिता रहे हैं, दे आर हैप्पी, मैं उसको भी सक्सेसफुल बोलता हूँ। ये नहीं कि अब गाड़ियाँ आ गई, जेट आ गई, तो वही सक्सेसफुल आदमी बन गया। नहीं, अगर इंसान अपनी लाइफ में खुश है, अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, तो वो सक्सेसफुल है। तो आई होप कि आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ हो। नाउ अब अपना प्री वर्कआउट लेते हैं एंड अपना वर्कआउट स्टार्ट करते। तो पहले एंड हाँ, मैंने आपको बोला था मैं आपको आज वार्म अप दिखाऊंगा कि मैं क्या करता हूँ। तो पहले मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ, देन आपको वार्म अप पे मिलता हूँ। ओके गाइज, तो मैं यहाँ से वार्म अप स्टार्ट करता हूँ। थोड़े बहुत रोटेटर कप्स, शोल्डर को थोड़ा वार्म अप कर लिया अच्छे से, एंड आज हमारा बैक है, तो थोड़े बाइसेप्स भी वार्म अप कर लिए, बैक भी वार्म अप किया। पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। इसके बराबर मैं दो सेट करता हूँ, आप भी वही करना इस साइड से भी। तो इसके बराबर दो सेट करना। ओके गाइस, तो वार्म अप चुका है कंप्लीट, मैंने थोड़े बहुत पुलअप्स भी किए। अब जो पहला वर्किंग सेट होगा वो लैट पुल डाउन से होगा, एंड ये आप हर जब आपकी अपर बॉडी सेशन होगी, तो जिस दिन आपका अपर बॉडी का वर्कआउट होगा, तो उस दिन आप ऐसे ऐसे वार्म अप करना, आप इंजरी से बचोगे। तो लेट्स गो, मिलते हैं पहले सेट पर। ओके गाइस, तो लैट पुल डाउन का पहला सेट, वेट को इंक्रीज करते हैं, एक अच्छा सेशन होना चाहिए। थोड़े बहुत मैं यहाँ प्लेट से करूँगा नीचे, इससे एक अच्छी ग्रिप मिलती है लैट पुल डाउन में। लेट्स गो, Thank you.
तीन सेट्स और। ओके गाइस, तो ये हमारा थर्ड सेट, दो सेट कंप्लीट हो चुके हैं। वेट को इंक्रीज कर दे रहा है। मैं लेग्स को इतना स्ट्रेच करता हूँ कि ऐसा लगता है कि वो बाहर ही आ जाएंगे, तो इतना स्ट्रेच भी इम्पोर्टेंट है और स्क्वीज भी इम्पोर्टेंट है, तो इसका ख्याल रखो। बस तो ये हमारा फाइनल सेट होगा। इनको वो इंक्रीज, वरना आज लैट पुल डाउन मशीन टूट जाएगी और हम अपने 6 रैप्स निकाल देंगे। लेट्स गो। तो लैट पुल डाउन हो गई कंप्लीट। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट एक्सरसाइज। 20 केजी से हमारा सेकंड सेट विथ 25 केजी डंबल। यह हमारा लास्ट सेट है, इसके बराबर आप कंप्लीट 4 सेट कर। तो ये एक्सरसाइज भी हो गई कंप्लीट, डंबल रोइंग बराबर 4 सेट। नाउ अब हम पुलओवर्स करेंगे। तो थर्ड एक्सरसाइज पुलओवर्स हम करेंगे। थोड़ा ग्रिप वाइड रखेंगे। सेकेंड सेट
सो ये हमारा लास्ट सेट रोइंग अप नेक्स्ट एक्सरसाइज में इंक्लाइन कर लो फॉर लैट्स ओके तो वेट को किया इंक्रीज दो सेट कंप्लीट दो सेट और एक सेट तो बैक का वर्कआउट हो चुका है कंप्लीट थोड़ा बहुत लोअर बैक करेंगे इसके बाद फिर बाइसेप्स करते हैं बाइसेप्स का पहला सेट हम करेंगे डंबल कर्ल से सेट इसके हम बराबर चार सेट करेंगे थर्ड सेट तीन सेट कंप्लीट और एक सेट वन मोर सेट तो बाइसेप्स कंप्लीट और एक एक्सरसाइज बाइसेप्स पहला सेट
इजी कर्ल्स है नाउ हेलो बाइसेप्स का लास्ट सेट बाइसेप्स हो चुके कंप्लीट। अब पहले पंप चेक करते हैं। ओके गाइस लेट्स चेक आउट पंप। ओके गाइज, तो आज जिम में काफ़ी शोर था, फिर मैंने सोचा जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका मैं घर में जवाब दूं। तो जो सेकंड क्वेश्चन था हमारा वो था, सर मैं जिम में हार्डवर्क करता हूं बट मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, क्या करूं? तो या तो आप ओवर ट्रेनिंग कर रहे हो, या कैलरी सरप्लस में नहीं खा रहे हो, या प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं कर रहे हो। देखो, ओवर ट्रेनिंग से आपकी मसल डेवलप नहीं होगी, तो उतना ही वर्कआउट करो जितना ज़रूरत है। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड मतलब आप सेम वेट बार बार उठाए जा रहे हो जिससे आपके जो रिजल्ट्स है वो नहीं मिल रहे। वेट को बढ़ाओ, सेट्स को बढ़ाओ, अच्छे से टेक्निक यूज़ करो जिससे आपकी जो मसल है वो ग्रो हो और आपको अच्छे से हेल्प मिले। तो जो और आप कैलरी सरप्लस में नहीं खा रहे हो, 2-3 जो आपकी मेंटेनेंस कैलरी है, 200-300 कैलरीज आपको सरप्लस में खानी होगी जिससे आपको अच्छा रिजल्ट मिले और मसल ग्रोथ होने में अच्छी हेल्प मिले। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको अपना क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून गाइज़।